हाय एवरीवन। तो सुबह हो चुका है, हम फ्रेश हो चुके हैं और सुबह सुबह मेरे को काम मिल चुका है। आपको मालूम होगा कि सर्दी आ चुका है, तो सर्दी के लिए कपड़ा निकालना है मेरे को अभी। तो देखिए, हम निकाल रहे हैं बक्से से। इस बक्से के अंदर सर्दी का सब कपड़ा है। दो दिन से ठंड लग रही है, सुबह सुबह ऐसे सो रहे थे और माँ तो है नहीं घर पे, तो सब निकालने के बाद साफ सफाई भी करना होगा। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस का ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोग को। तो ये देखिए, हम लोग पूरे परिवार का सारा सर्दी का कपड़ा इसमें रखा जाता है। फिर सर्दी का टाइम आने के बाद इससे निकलता है सारा कुछ। अब इसका सब धुलाई होगा, धुलाई होगा उसके बाद सब अपना अपना यूज करेगा। कपड़ा इसके अंदर कंबल कवर लगा हुआ है ऊपर से, नहीं तो चूहा लोग पता नहीं कब क्या कर दे। तो अपन चलन बाबू को निकाल रही हूँ, चलन बाबू फिलहाल के लिए निकल। तो आप देख सकते हो इतना सारा कपड़ा हम निकाल चुके हैं, ये सब उड़ने वाला है। सब कवर का धुलाई होगा, सफाई, उसके बाद इसको हम अभी इससे निकाल के इसके अंदर वाला जो रजाई है उसको धूप में जा रहा हूँ मैं देने के लिए। उसका कवर भी निकालूंगा। तो गाइस, वीडियो में आप ऐसे ही लगातार बने रहो, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे का प्रोसेस चालू करता हूँ। आज तीन बार काम कर करके थक गया यार, अभी लेटे हैं। देखिए, अभी लैपटॉप पे कुछ देख रहा था मैं, और अभी मैं लेटा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। गाइस, आज धनतेरस है, आज बहुत काम किए गाइस, बहुत साफ सफाई हुआ है। तो आप लोग कैसे हो, सब मस्त? धनतेरस में क्या क्या खरीदे आप लोग जरूर बताइएगा फ्रेंड लोग सब। और हम तो थक चुके हैं, हलवा खा के लेटे हैं अभी कुछ देर पहले। देखिए अभी क्या बनता है। हाय एवरीवन। तो आज मैं बहुत सवेरे उठ गया हूँ, लगभग 4 बजे से मैं जगा हूँ। नींद नहीं आ रही है गाइस, आज दिवाली, आज बहुत सारा काम बाकी है। तो इतना सवेरे उठ के मैंने क्या क्या किया, थोड़ा देर मोबाइल चलाया और कुछ वीडियोज देखे। मैं गाय को बाहर करके आ गया हूँ, गाय और बछड़े को बाहर बांध दिया है, वो लोग भी सवेरे जाग जाते हैं। उठने का मन नहीं कर रहा है गाइस, हल्का हल्का ठंड है, सर्दी आ चुकी है, अभी जोर के लिए भी हल्का हल्का ही सर्दी इधर आया है। चलिए दिनचर्या का शुरुआत किया जाए, चलते हैं छत पे। अभी उठ गया मैं, पूरा काम पड़ा हुआ है, अभी तक खाना वाना नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाया,
चलिए थोड़ा छत पे घूमते हैं, क्या क्या चल रहा है ऊपर। थकावट लग रहा है गाइस। ये देखिए गांव का नजारा है, सुबह सुबह सूर्य भगवान निकल चुके हैं। ये घर कुल्ला बन गए हाँ। पोताई हो ले रे घर कुलवा के। प्रिंस पूरा गांव में चहल पहल है, एकदम बाजा बाजा बज रहा है। इधर देखिए सिंचाई हो रहा है, इधर तो चलिए अब नीचे चलता। गाय को खाना पानी नहीं दिया हूँ तो उसको दे देता हूँ गाइज। वीडियो में आप लोग बने रहिए, अभी खाना पानी कुछ नहीं बना है। देखिए नेनुआ छील के रखा हुआ है, क्या प्रिंस। और ये प्रिंस को देखिए चूना दिया जा रहा है घर कुल्ला को रंगने के लिए। ये देखिए ब्रश भी लेते जाना प्रिंस, ब्रश कपड़ा से ना रे, ब्रश लेते जाओ कपड़ा से होवा है पेंट। आज सब्जी बनाएंगे ओल का, मूंगा वाली है इसीलिए ओल का सब्जी बनाएंगे। और चंदन भैया जो है सानी देंगे, और पंकज भैया है जो पानी भरेंगे। मेरा देखिए किचन गार्डन उधर लगा हुआ है। साफ सफाई के कारण थके हुए हैं। ये मेरा हाउस है, एक आदमी उधर एक आदमी इधर। सानी लगा रहे हैं पंकज भैया। सानी पानी लग रहा है, मेरा गाय है, गाय बच्चा देने वाली है, अभी बड़ी वाली बच्चा देगी तो दूध चलेगा, घी चलेगा। काजी पटाखा छोड़ देता है पीछे में, डर जाते हैं। पटाखा का दिन है, क्या कर सकते हैं किसी को। ये है मेरा घर, ये है मेरा गाड़ी। गाइज हम गाय को खाना दे चुके हैं, अभी जो वीडियो बना रही थी वो है मेरी छोटी बहन। तो चलिए कुछ और काम किया जाए सुबह सुबह। ये जो देख रहे हैं मेरा घर है, ये भी इसमें हम लोग रहते हैं। इधर ऐसे ही पड़ा है, इधर गाय रहती है। तो गाइज देखिए ओल, और इस ओल को हम छीलने जा रहे हैं क्योंकि ये सब्जी आज बनेगा। देखिए चलिए देखते हैं ओल कैसे छिला रहा है। देखिए ये ओल छिला रहा है, हम लोग भी छिल सकते हैं लेकिन भैया इसलिए छिलते हैं, खुजली नहीं होता है हाथ में, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग छीलने के लिए। जब भी ओल आता है घर में तो यही छीलते हैं। हम लोग को बहुत छीलते हैं तो नोचने लगता है।
यस, सबके बस की बात नहीं है इसे छिलने की, छिलने इसे जो पानी निकलता है हल्का हल्का उससे खुजली होता है, हाथ में इसमें बिल्कुल आता है, इसमें बहुत भयंकर खुजली होता है। वो खुजली नहीं, दूसरे टाइप का होता है, लगेगा हाथ में कुछ अंदर से भूख 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 होगा इस टाइप से होता है। देखिए वो धोवा गया है अच्छे से, अब कटने जा रहा है, कट गया है, देखिए कैसे कट रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और इसमें देंगे पोई का पत्ता, इससे है जो है ना मुंह में खुजलाएगा नहीं, इसीलिए देते हैं इसको। अपना किचन गार्डन से तोड़े हैं, अभी तोड़ के लाए हैं, धोए। देखिए भैया काट रहे हैं, हाथे कट गया, बच गया, इसको धोना पड़ेगा। तो देखिए लहसुन छिला चुका है और इसमें 5-6 लाल मिर्च गोटे है, ये सब पिसाएगा। और देखिए इधर प्याज भी कट चुका है, जितना आपका सब्जी उसके अनुसार आप प्याज डालिए। तो चलिए ये पिसाएगा रॉक पे, यानी कि पत्थर पे, जिसको कि गांव में हमारे लोढ़ी पाटी से उसको बोला जाता है, लोढ़ी पाटी। उस पर पीसने का टेस्ट ही कुछ अलग आता है, मिक्सी वाला टेस्ट वो उसमें मज़ा नहीं आता है गाइस, जो पत्थर पे पिसाता है उसका टेस्ट कुछ डिफरेंट आता है। तो चलिए मैं आपको कैसे लोढ़ी पाटी पर पिसाता है ये देखिए, ये देखिए गुड़िया पिस रही है, ये वाला टेस्ट ही कुछ अलग आता है, मिक्सी वाला तो बेकार है यार, जितना फैशनेबल जमाना उतना बेकार हो गया सब कुछ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, होल बन रहा है गाइस, इसको जला गया है, इसको फ्राई किया जा रहा है होल को, पहले हाई फ्लेम पे फ्राई कर दें। बड़ा भूरा भूरा तो ये कीड़ा है, कोई का पत्ता भी डाला जाएगा उसमें, देखिए छोटा छोटा इसे काट रही है। फिर से एक बार, फिर से क्या लग रहा है आज दिन नहीं बन रहा है, कल से छिलाया है शाम को, तब से पड़ा हुआ है ये बेचारा, लग रहा है कि आज ऐसे ही सूखेगा। देखिए ओल को फ्राई करके निकाल लिया गया है, थोड़ा प्याज को फ्राई किया जा रहा है। प्याज फ्राई बाद क्या डालेगी? मसाला, मसाला ये पत्ता को ना है, पत्ता को भी नहीं, तब अच्छा प्याज में फिर मसाला भी आ जाएगा, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, सारा मसाला डालेंगे, उसके बाद पत्ता। अच्छा और ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और ये खाने में तो आज मजा आ जाएगा गाइस। होल का सब्जी कौन कौन खाएं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये कैसा लग रहा है ये हम बताएंगे खाने के बाद। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए गाइज। और इधर देखिए चावल भी रेडी है, देखिए मेरा खाना निकल गया है और ये ओल का सब्जी रेडी है, काफी सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी तो सुंदर लगना चाहिए, टेस्टी। चलिए हम इसका टेस्ट लेते हैं कैसा लग रहा है। चलिए देखिए टेस्ट करें। ये देखिए टेस्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मस्त। आज का वीडियो इतना ही, लास्ट आप लोग ब्लॉग में जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।